हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा दिन है ट्यूसडे, जिस दिन हम वर्ड्स करते हैं, नए वर्ड्स करेंगे। हम 30 वर्ड्स करेंगे और 30 वर्ड्स जो हम पहले कर रहे हैं उसके कॉन्टिन्यूएशन में होंगे अल्फाबेटिकली, और हम वर्ड्स के पहले आउटलाइन देखेंगे और उसके साथ साथ स्पेलिंग लिखेंगे। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं और उसके बाद मैं आपको उनके वर्ड के स्पेलिंग भी दिखाऊंगा और उनके मीनिंग्स भी देखेंगे। हम ट्यूसडे और थर्सडे को हम करते हैं ये। और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी तक हम ऑलमोस्ट 450 वर्ड्स कर चुके हैं और आपने एक सेइंग एडेज एक सुने होगी कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, मीन्स कोई भी काम जब इम्पॉर्टेंट काम करते हैं तो उसमें समय ज़रूर लगता है और थोड़ा थोड़ा करते करते ही, एक एक ईंट रखते रखते ही बिल्डिंग बनती है। वैसे ही स्पेलिंग है, आप करते जाएंगे, आप थोड़े थोड़े करते जाएंगे और आप देखेंगे एक महीने बाद आपके कितने इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको नहीं आते, आप रजिस्टर में लिख सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। और हो सकता है जिस दिन मूड होता है आदमी का कि आज मैंने ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता या नहीं करने का मूड है, उस दिन आप आउटलाइन रिवाइज करिए और उसमें स्पेलिंग रिवाइज करिए, ऐसी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए और टाइम अपना यूटिलाइज करिए। पर्पस यही होता है और सभी चीज़ें इकट्ठा काम करती हैं, स्पेलिंग, आउटलाइंस, मीनिंग, फ्रेजेस, वर्ड्स, सभी इकट्ठे की चीज़ें काम करती हैं। तो अब हम शुरू करेंगे, आउटलाइन देखिएगा पहले। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर वर्ड्स देख रहे होंगे, आउटलाइंस देख रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ एक एक किस वर्ड की आउटलाइन है, आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, बाद में आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड इज कर्नल, KRNL, कर्नल। सेकेंड इज कॉलोनियल, KLNL, डाउनवर्ड, कॉलोनियल। नेक्स्ट इज कोलोसल, कोलोसल, KLSL, कोलोसल। दिस इज कॉलम, KLM, कॉलम। कॉलम के बाद है कॉम्बैट, कॉम्बैट, DOT, कॉम्बैट। दिस इज कंबस्शन, BST, कंबस्शन। कॉमेडियन, कॉमेडियन। दिस इज कमांडर, अबव द लाइन लिखिएगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर दिया इसको, कमांडर। दिस इज कमेमोरेशन, कमेमोरेशन, कम मेम कमेमोरेशन। कमेमोरेशन के बाद है कमेंसमेंट, दिस इज कमेंडेबल। कमेंसुरेट, कम NSR अपवर्ड हाफ, कमेंसुरेट। नेक्स्ट इज कमेंटेटर, कमेंटेटर, DT। दिस इज कमर्शियल, कमर्शियल,
ओके, पहले हमने किया था कॉमर्शियल, ये है कॉमर्शियलाइज। कॉमर्शियलाइज होगा तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, कॉमर्शियलाइज, SHLSI भी लगा दीजिए, लगाना है तो कॉमर्शियलाइज। नेक्स्ट इज कमिटमेंट, कमिटमेंट, दिस इज कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। ये है कोमोशन, कोमोशन सिंपल है लिखने में। दिस इज कॉम्युनिकेबल, कॉम्युनिकेबल, दिस इज कॉमन हो गया और ये केबल हो गया, कॉम्युनिकेबल। ये है कॉम्यूट, कॉम और यूट। दिस इज कंपेनियन, कम पैनियन। इसके बाद है कंपैरेटिवली, पीआरटी हाफ, कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली के बाद है कंपैरिजन, PRSN, कम ऊपर आ जाए, कंपैरिजन। कंपार्टमेंट, PRTMNT, कम ऊपर, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट के बाद है कॉम्पास, कॉम्पास अबव द लाइन, कॉम्पास। दिस इज कंपैशनेट, कंपैशन होगा तो यहीं रुक जाएगा, कंपैशनेट है तो ये टी आपको इसके साथ दिखाना पड़ेगा, कंपैशनेट। नेक्स्ट इज कंपैटिबल, कम पी हाफ, कंपेटिबल। दिस इज कंपेल्ड, कंपेल होगा तो ऊपर जाएगा, कंपेल, कंपेल्ड होगा तो ये एल डाउनवर्ड आएगा, हाफ, कंपेल्ड। दिस इज कंपेंडियम, कम PNDM, कंपेंडियम, स्पेलिंग लिख लीजिए। लास्ट इज कंपेंसेशन, कम पेंशन, कंपेंसेशन। दैट्स ऑल, अब हम देखेंगे इनके स्पेलिंग और मीनिंग्स। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वर्ड्स, उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स। पहला वर्ड है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कर्नल, जो बोला कर्नल जाता है, स्पेलिंग है COLONEL, द हेड ऑफ ए रेजिमेंट। आर्मी में एक स्टेटस होता है, एक पोजीशन होती है, कर्नल। नेक्स्ट है कॉलोनियल, COLONIAL, कॉलोनियल, रिलेटिंग टू ए कॉलोनी। जैसे हम इंडिपेंडेंस से पहले हम भी एक ब्रिटिश की एक कॉलोनी थे, तो कॉलोनियल रूल था हमारे ऊपर, कॉलोनी इज रिलेटिंग टू दैट। कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, कोलोसल इज जाइगेंटिक और ह्यूज, जो भी चीज़ बहुत बड़ी होती है, कोलोसल उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम, COLUMN, कॉलम हम जानते ही हैं, ए सिलेंड्रिकल पिलर, जो पिलर होते हैं बिल्डिंग के, उनको कॉलम बोला जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट इज टू फाइट अगेंस्ट, कॉम्बैट नॉर्मली फोर्सेस के साथ लगता है, कॉम्बैट फोर्सेस, कॉम्बैट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज कंबस्शन,
कंबस्शन इज द एक्ट ऑफ बर्निंग, COMBUSTION. नेक्स्ट इज कॉमेडियन, COMEDIAN, कॉमेडियन. ए राइटर और प्लेयर ऑफ कॉमेडीज इज नोन एज कॉमेडियन, वी ऑल नो. कमांडर, COMMANDER, कमांडर, वन हु कमांड्स, जो कमांड करता है उसको कमांडर बोलते हैं. नेक्स्ट इज कोमेमोरेशन, COMMEMORATION, कोमेमोरेशन. कोमेमोरेट भी होता है, कोमेमोरेटिंग भी होता है, कोमेमोरेशन भी होता है. टू सेलिब्रेट द मेमोरी ऑफ, कमेमोरेशन स्टैम्प्स भी होती हैं पोस्ट ऑफिस में अगर आप लेने जाएंगे तो, जो किसी की मेमोरी में इशू की जाती हैं स्टैम्प्स, दोज आर कोमेमोरेशन स्टैम्प्स. नेक्स्ट इज कमेंसमेंट, कमेंसमेंट इज किसी चीज़ का शुरू होना, अ बिगिनिंग, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट. नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इज कमेंडेबल, कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल इज नेचुरली वर्दी ऑफ टू बी रिकमेंडेड और गुड. कोई भी काम जो बहुत अच्छा होता है, जो रिकमेंड किया जा सकता है या जो अच्छा होता है उसको कमेंडेबल बोलते हैं. कमेंडेबल वर्क, कमेंडेबल सर्विसेज, इट कैन बी एनीथिंग कमेंडेबल. कमेंसुरेट, COMENSURATE, कमेंसुरेट. कमेंसुरेट इज इक्वल और प्रोपोर्शन, कमेंसुरेट विद द क्वालिफिकेशन जैसे बोलते हैं, तो पे इज कमेंसुरेट विद द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस, तो ये कमेंसुरेट है. नेक्स्ट इज कमेंटेटर, वी ऑल नो कमेंटेटर, COMMENTATOR, कमेंटेटर. ए पर्सन हु गिव्स हिज और हर ओपिनियन इज नोन एज कमेंटेटर. नेक्स्ट इज कमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल इज ए सिंपल रिलेटिंग टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब जानते हैं हम. नेक्स्ट इज कमर्शियलाइज, कमर्शियल से कमर्शियलाइज बनता है, COMMERCIALIZE, कमर्शियलाइज. टू मेक कमर्शियल, किसी चीज़ को कमर्शियल करना मतलब कमर्शियलाइज करना. इसको मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इसकी थोड़ी आउटलाइन अलग सी थी, टिपिकल थी. नेक्स्ट इज कमिटमेंट, COMMITMENT, कमिटमेंट, वी ऑल नो. एंगेजमेंट, प्लेज, किस चीज़ की कसम खाना, किस चीज़ की किसी काम को लगन से करना, दैट इज कमिटमेंट. कॉमनवेल्थ, COMMONWEALTH, कॉमनवेल्थ. ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड अंडर ए सिंगल गवर्नमेंट, इट कैन बी ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑल्सो, हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं. अब नेक्स्ट इज कमोशन, COMMOTION, कमोशन. कमोशन इज डिस्टर्बेंस, जब कहीं किसी फंक्शन में या किसी भी गैदरिंग में एकदम डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, कमोशन इज ए नॉर्मल वर्ड इन न्यूज़पेपर. कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेट किया जा सके. एबल टू बी कम्युनिकेटेड, इवन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी होती हैं. कम्यूट, कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट मीन्स टू एक्सचेंज. कम्यूट इज द, कई पेमेंट्स होती हैं जो कम्यूट की जाती हैं डिफरेंट तरह से, उसमें इंश्योरेंस में भी ये वर्ड यूज होता है, कम्यूट, टू एक्सचेंज. नेक्स्ट इज कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन, टू अ कंपनी, एन एसोसिएट, कंपेनियन सब जानते हैं. कंपैरेटिवली, COMPARATIVELY, कंपैरेटिवली, बाय कंपैरिजन. नेक्स्ट इज कंपैरिजन,
COMPARISON, कंपेरिजन, द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग, वर्ड सिंपल है. नेक्स्ट इज कंपार्टमेंट, COMPARTMENT, कंपार्टमेंट, रेलवे कैरिज, जानते ही हैं कंपार्टमेंट. नेक्स्ट इज कॉम्पास, COMPASS, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन. उसके बाद है कंपैशनेट, हम सब जानते हैं कंपैशनेट, COMPASSIONATE, कंपैशनेट, सिंपथेटिक या पिटीफुल. नेक्स्ट इज कंपैटिबल, COMPATIBLE, ये भी रूटीन वर्ड है, कंपैटिबल, कंपैटिबिलिटी भी बनता है इससे. सूटेबल टू बी यूज्ड, लिव, एग्जिस्ट टुगेदर. नेक्स्ट इज कंपेल्ड, COMPELLED, कंपेल्ड, टू कंपेल. नेक्स्ट इज कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम, कंपेंडियम बोलते हैं जो समरी होती है उसको कंपेंडियम बोलते हैं. कंपेंसेशन, COMPENSATION, द अमाउंट ऑफ कैश और नॉन कैश पेड फॉर वर्क और सर्विसेज. दैट्स ऑल, थैंक यू.